ग्रन्थस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावन वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदानय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतं देवरं जड्डञ्जगुडरोचि संविदध तनुपट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसत्तामाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ग्रामेन्द्रम् माधुर्य का श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्वी का राधा विनोद बिहारी जी की कृपा से आज हम लोगों की ब्रजमंडल चौरासी कोष की परिक्रमा चतुर्थ दिवस पांचवें दिन निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। आज बड़ी लंबी यात्रा थी तो जाया 6 बजे तक आप लोग सभी लोग आ गए और बंगाली यात्री शायद नहीं है, क्लांत हो गए हैं, हम घर में चले। केवल विदेशी भक्त लोग हैं। माधुर्य कादंबरी में बतलाया था कि चैतन्य महाप्रभु के पहले किसी भी आचार्य ने रसस्वरूप भक्ति की व्याख्या नहीं, श्रीरूप हृदय प्रभु शक्ति संचारी सर्व तत्व निपुराय प्रवीण कर नरूप गोस्वामी के हृदय में अपनी कृपा बिंदु संचारित की, इसे वो चैतन्य मनोभीष्ट को स्थापित कर चुका। इसलिए उन्होंने रूप गोस्वामी की कृपा के बिना भक्ति के रस रूप में अनुभूति नहीं हो सकती। और तो क्या, उनके कृपा के बिना भक्ति में ही प्रवेश नहीं होगा, रस भक्ति तो बहुत दूर है। अब श्री चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कृष्ण स्वयं परब्रह्म हैं, वे अपनी स्वेच्छा से भक्तों के हृदय में अपनी नाम रूप लीला इत्यादि को प्रकट कर जम एव सजैव पीड़िते ये न लभ्य, उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं होता। इसलिए जब उनकी कृपा भक्तों के हृदय में वे प्रकट होते हैं और तब उनकी बाल्य लीला कैशोर कौगंड लीला यह रश्मि लीला है, तब अनुभूति होगी। यहां पर उसको वर्णन कर रहे हैं कि बहुत से प्रमाण हैं, किसी ने 4 प्रमाण माना, किसी ने केवल 3 प्रमाण माने, किसी ने 10 प्रमाण माने, सभी ने माने, किंतु शब्द प्रमाण
के अतिरिक्त और कोई भी प्रमाण अपराधिक संबंध में कुछ भी काम नहीं कर सकता। कोई भी लौकिक प्रमाण हो, आर्ष प्रमाण हो, और भी जितने भी प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान, शब्द, आर्ष, अतिज्य, अभाव, उपलब्धि, ये 10 हैं, किंतु इसमें से केवल शब्द प्रमाण केवल प्रमाण है, क्योंकि ये मनुष्य के द्वारा नहीं, औपौरुषेय प्रमाण है, भगवान के द्वारा ये प्रकटित प्रमाण है, उनके श्वास से वेद, पुराण, उपनिषद, गीता, भागवत, ये सब ये प्रमाण्य कोटि के हैं, इसमें बतलाएंगे। तो कह रहे हैं श्रुति वेद ही एकमात्र परमार्थ के संबंध में एकमात्र प्रमाण है, और कोई प्रमाण काम नहीं कर सकता। तैतरीय उपनिषद के द्वितीय पल्ली में पंचम अनुवाद में यह कहा गया है, ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। तात्पर्य क्या है? ब्रह्म आनंदमय पुरुष का आश्रय या उसकी प्रतिष्ठा है, अर्थात ब्रह्म श्रेष्ठ है और आनंदमय पुरुष श्रेष्ठ नहीं है, उसका भी आश्रय ब्रह्म है, यह बतलाया गया। और फिर उसी में उपनिषद के सातवें अनुवाद के द्वितीय अंश में कहा गया, रसो वैश्य रसं हे वायन लब्धानंदी भवति, भगवान रसस्वरूप, केवल रसस्वरूप ही नहीं, क्या है, रसस्वरूप होने पर भी रसमय भी हैं, स्वयं रस भी हैं, रसिक भी हैं, रसिक भी हैं, जिनको प्राप्त करके जीव आनंदी हो जाता है, अर्थात आनंद से युक्त हो जाता है। यह रस तत्व ही परात्मक तत्व या श्रेष्ठ तत्व है। इस श्रुति में अब यह कहा गया, ब्रह्म से भी रस तत्व या रसिक तत्व श्रेष्ठ है। वह परत्पर तत्व क्या है? रसिक शेखर भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में उनको 12 रसों का विषय बतलाया गया है, मल्लानाम असनी नृणाम नरवर स्त्रीनांग स्मरो मूर्तिमान गोपानांग स्वजनो असतांग क्षतिभुजांग स्वस्ता सपित्रो शिशु मृत्यु भोजपते विराट विदुषांग तत्तम परम योगिनाम विष्णुनाम परदेवता विदितो रंग प्रकाश। जिसमें कृष्ण बलदेव जी के साथ में बलदेव जी की रंग भूमि में प्रवेश किया, उस समय कंस के जो योद्धा थे महाबल चारण मुष्टि इत्यादि, उनको कृष्ण वज्र से भी अधिक कठोर शरीर वाले थे, वो डर गए। साधारण मनुष्यों ने नर रत्न के रूप में देखा, स्त्रियों ने साक्षात कामदेव के रूप में देखा, गोपों ने अपने बंधु के रूप में देखा, राजाओं को दंड वाले कठोर शासक जैसे दिख पड़े, माता पिता को शिशु के रूप में, कंस को मृत्यु के रूप में दिख पड़े, अज्ञानियों को साधारण बालक के रूप में, योगियों को परतत्व के रूप में और जादुओं को परम देवता के रूप में दिखाई दी। सभी ने अपने अपने भावों के अनुरूप रौद्र अद्भुत
श्रृंगार सख हास्य वीर वात्सल्य करुण भयानक विभत्स शांत दास स्वरूप में उनका। इसलिए कृष्ण ही रस स्वरूप है। इसी श्लोक के द्वारा सर्व वेदांत सार निखिल प्रमाण शिरोमणि श्रीमद् भागवत ने श्री कृष्ण को ही रस स्वरूप निर्णय किया। समस्त जितने प्रकार के प्रमाण हैं वेद श्रेष्ठ हैं होने पर भी उनका सार श्रीमद् भागवत, यह सब प्रमाण शिरोमणि है, अमल प्रमाण है। तो वो कहते हैं श्री कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, मैं ब्रह्म की, माने क्या, मैं ही नहीं रहूंगा तो ब्रह्म क्या रहेगा, ब्रह्म अंग की ज्योति है, ब्रह्म अंग की ज्योति है। इसलिए यदि अंग ही नहीं रहा, अंग ही नहीं रही तो फिर ज्योति कहां से आएगा। इस वाक्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अपने को ब्रह्म की प्रतिष्ठा परार्थ तत्व कहा। इन प्रमाणों से यह सिद्ध होता है ब्रजेंद्र श्याम सुंदर ही कृष्ण परात्पर रस स्वरूप है। ब्रजेंद्र नंद की पाल पौगंड और किशोर लीला लीलाओं से निर्दिष्ट होता है। स्वयं भगवान कृष्ण विशुद्ध सत्य अपने नाम रूप गुण लीला और विग्रह से सर्वथा रस स्वरूप। सत्य का भाव देखिए, वात्सल्य का भाव देखिए, रस स्वरूप किस प्रकार से है, अनुभूत किसने किया, सखाओं ने किया, मैया यशोदा ने किया, पुलक हो रहे हैं, अंग में कंप हो रहा, श्वेत हो रहा, स्तन से दूध, यह रस स्वरूप। सखाओं ने एक मिनट नहीं देखा, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं उनके पास जाऊंगा, इतने से। और गोपियों की तो बात ही क्या, तो वे अपनी स्वेच्छा से भक्तों के हृदय में उनके श्रवण नेत्र मन बुद्धि इत्यादि में अवतीर्ण होते हैं। चेष्टा से नहीं होगा, हाँ चेष्टा का परिश्रम भगवान की कृपा दोनों की आवश्यकता है। नाउ यू कैन ट्रांसलेट। Therefore, continuing from the last reading of Srimad Durjakarambini, we were discussing the Sri Vishwanath Chakravarti Thakur has said before Sri Chaitanya Mahaprabhu, there was bhakti but no rasa swarup bhakti, bhakti full of rasa. Therefore, Sri Rupa Goswami was completely empowered by Sri Chaitanya Mahaprabhu to understand the internal mind's heart's desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and Sri Rupa Goswami only established it in this world. Therefore, without the mercy of Sri Rupa Goswami, there is no possibility of attainment of bhakti, what to speak of rasa bhakti. Therefore, Sri Vishwanath Chakravarti Thakur is establishing here that Krishna is Swayam Brahma, Swayam Bhagavan. It is only by His Swaichha Kripa, only by His independent resolve, His independent mercy, His own mercy, that the devotee can understand and realize and taste the name, form, qualities and pastimes of the Supreme Lord. Only when Krishna empowers the heart of a devotee, then that devotee can understand Him. Then in which way should we understand or realize Krishna's Balya Lila, His baby pastimes, His Pauganda and His Kishore pastimes?
Therefore, we'll have to come to some type of evidence, some praman. Some people accept three types of evidence, some four, and some accept 10 types of evidence. Like asa, pratyaksha, anuman, abhav, upalabdha. But finally, the only praman or evidence which can establish transcendental reality is sabdabhaman, or shastra, transcendental sound. Because this sabdabhaman, or the Supreme Lord in the form of sound, is manifested directly by the Supreme Lord Himself. In fact, the Puranas, the Shastras, the Upanishads are the breathing of the Supreme Lord, His breath. Therefore, of all different types of evidence, Shruti Shastra is the topmost. Therefore, some question comes. I'll try if I make some mistake. Then, in this next bit, Brahma Pucham Pratishta. Some question comes, which is the superior tattva? Krishna's Angakanti, which is the Nivashesh Brahma, or Parabrahma, Krishna Himself? So it must be understood that Krishna Himself is Swayam Bhagavan, because that Angakanti, that Jyoti, is Asray Brahma. It's dependent upon His existence from Krishna Himself. If there's no Krishna, how there can be any Nivashesh Brahma? It's quite impossible. Therefore, Krishna is the only Swatantra Tattva. He is completely independent, and even that Asray Brahma, Nivashesh Brahma, the impersonal aspect of Krishna, is dependent upon its existence, upon Krishna's existence. Therefore, the Upanishads have said, Raso Vaisha, that Supreme Lord, not only is He Ras, not only is He Rasaru, full of nectar, but He is also Ras itself. He is both Ras and Rasik. He is the both enjoyer and to be the object to be tasted. Both things are there. He is Ananda and Anandamoy, both. Therefore the Upanishads say, by attaining Him, everything is attained. Therefore the conclusion of the Srimad Bhagavatam is that Rasik Shekhar, that supreme enjoyer personality, is only Krishna Himself. And that is evidence is given in the Srimad Bhagavatam. All the Vedas have established Krishna as Rasa Swarup, and that is the topmost evidence is given in the Srimad Bhagavatam. Because the Srimad Bhagavatam is the essence of all the Vedic literatures. Therefore, Malanam Asanam Veenam Narumaram Striyam Smaro Murtimam Gopanam Swajanam Ityadi. There is 12 rasas there. Therefore, this is evidence that Krishna is Rasa Vaisa. He is Rasik Shekhar because He is the object of all those 12 rasas. He is the Visaya Vigraha, the taster of those 12 rasas. What are they? When Sri Krishna and Balaramji entered into the wrestling arena of Kamsa Maharaj, then the 5 primary rasas and the 7 secondary rasas, which bring 12 in total, were all tasted by Krishna at that time. Sriyam Smaramurtimam, the lady saw Krishna as Cupid. Gopanam Swajanam, the friends of Krishna saw Krishna as their friend. The ordinary person saw Krishna like a Gopala, like a coward boy. Brishinam Paradevata, the Brishni saw Krishna as their worshipful deity. Kamsa Maharaj, he saw Krishna as death. The wrestlers, Charan and Mustik, saw Krishna like a thunderbolt. The yogis saw Krishna, Yoginam Paratattvam. The yogis saw Krishna as Paratattva. The unintelligent saw Krishna like the universal form. In this way, 12 things were there. And Krishna tasted all those, therefore this is evidence He is Rasik Shekhar, Raso Vaisa. Therefore His pastimes are revealed by Sudasapa potency. They are completely non-material. Therefore, the Srimad Bhagavatam gives evidence that Rasik Shekhar Krishna can be tasted, He can be seen, He can be experienced. How Srimadhi Yasoda tasted in Vatsali Ras. She saw that Rasa Swarup Krishna weeping, like we're hearing this morning, crying, taking long breaths.
The Sakyas, they also experienced that Rasa Sura Parabrahma. How? I will touch him first. Therefore, conclusion is, that Krishna cannot be realized by our own efforts only. His mercy must be there. And we should perform our efforts in order to achieve that mercy. संक्षेप में दस परमाणु को बतला रहे हैं। प्रत्यक्ष परमाणु आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, इनसे पांच इंद्रियों से जो ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष परमाणु कहते हैं। किंतु कभी कभी मैंने सभी समय आदमी पागल हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए, कभी कभी रस्सी को देख करके मालूम होता है कि सांप है, कभी कभी सीप देख करके रजत का अनुमान हो सकता है, इसलिए ये निर्भर योग्य नहीं। अनुमान प्रमाण नहीं। कभी धुआं देखने से मालूम होता है कि आग है, किंतु धुआं वर्षा से आग बंद हो जाने पर भी धुआं उठ सकता है, तो वहां पर आग नहीं भी हो सकती है। आस प्रमाण नाना प्रकार के ऋषि लोग नाना प्रकार के हैं, उनके मत भी विभिन्न हैं, इसलिए आस प्रमाण भी निर्भर योग्य नहीं है। उपमान एक वस्तु को जैसे गधा घोड़ा एक समान है, किंतु होने पर भी एक नहीं है। जैसे नमक और फिटकरी दोनों सफेद है, किंतु दोनों एक नहीं। अर्थापत्ति एक आदमी मोटा ताजा खूब है, किंतु दिन में खाता नहीं। अनुमान लगा लो क्या, रात में खाता है, ये भी निर्भर योग्य नहीं। अभाव कोई वस्तु नेत्र और कान इंद्रियों के निकट न रहने पर उसकी उपलब्धि नहीं होती, अभाव है, ये भी प्रमाण नहीं है। क्योंकि एक दीवार रहे तो ये आंखें उस पार वाली चीज को नहीं देख सकती है, वो प्रमाण नहीं हो सकता। संभव हजारों की संख्या में सौ अंतर्भुक्त है, बात ठीक है। बुद्धि इस प्रकार से जो संभावना करती उसे संभव प्रमाण कहते हैं। ऐतिह्य इतिहास चेष्टा अंगुलियों से निर्दर्शन करना, सब में कुछ न कुछ दोष है, किंतु शब्द अपौरुष भगवान के निश्वास से निकला है या भगवान ने स्वयं गीता में किया है, भागवत में किया है, ये आप्त वचन भी इसको कहते हैं। साधारण रूप में लिखी ही जो रचनाएं होती हैं वो पौरुष है, किंतु भगवान के निश्वास से निकली हुई कही हुई बातें केवल वही एकमात्र प्रमाण है। शास्त्र कौन प्रमाण है? री जजु साम अथर्व, मूल रामायण, महाभारत, पंचरात्र, भागवत और उसके अनुगत जो शास्त्र है, ये सब प्रमाण है। कुछ लोग कहते हैं बुद्ध देव तो भगवान है, तो उनकी बात प्रमाणित होगी कि नहीं? नहीं, जी गोस्वामी कहते हैं। क्यों? कि बुद्ध देव ईश्वर है जिस शास्त्र में लिखा गया है, उसमें यह भी लिखा है कि दैत्यों को मोहन करने के लिए आए थे, इसलिए उनके वचन प्रमाण्य नहीं है, क्यों देवताओं को मोहन करने के लिए आए। इसीलिए भारतवर्ष में बौद्ध मत नहीं चला और उनको खदेड़ दिया गया बाहर में। इसीलिए चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा ये सूतियां प्रमाण श्रेष्ठ है और उनमें भी श्रीमद् भागवत अमर निर्मल श्रेष्ठ प्रमाण है। उसी के आधार पर हम कृष्ण लीला का वर्णन करें, भक्ति का वर्णन करें, यही प्रमाण उसमें रहेंगे।
ये परम ब्रह्म कृष्ण अपने भक्तों का विनोदन करने के लिए जगत में आए। जदा जदा ही धर्म शक्ला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्म से तदात्मानम सिजम्य परित्रणाय साधुनाम विनाशाय च। कृष्ण का यह बाहरी कार्य है, ये विष्णु के द्वारा कराते हैं, उनके अंगों में विष्णु रहते हैं, उनके द्वारा असुरों का संहार इत्यादि कार्य करते हैं। और स्वयं उनका क्या है, भक्ता नाम विनोदाय। और भक्तों में भी श्रेष्ठ कौन भक्त हैं, ब्रजवासी, उनमें भी यशोदा मैया इत्यादि सखा लोग, उसमें भी गोपियां, उनमें भी श्रीमती राधिका का विनोदन करने के लिए स्वयं उनका कार्य जरास इत्यादि और अष्टकाली लीला में जिनका चिंतन किया जाता है वो उनका अपना कार्य है। और बाकी उनके शरीर में जो विष्णु तत्व हैं उनके द्वारा असुरों का संहार और नैमित्तिक और जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब करते हैं। असुरों को मारने से उनका कोई संबंध नहीं, भक्ता नाम विनोदाय ये कहा है। अब भक्त लोग उनको पहचान नहीं पाए, साधारण मनुष्य समझते थे, कंस, जरासंध, दुर्योधन, कालजमन ये सब भगवत विरोधी थे। ये लोग भगवान के को कृष्ण को भगवान के रूप में समझ नहीं पाए। दुर्योधन उनको बंदी बनाना चाहा और कृष्ण उसी समय में विराट रूप दिख रहा, भीष्म पितामह इत्यादि डर गए और क्षमा मंगवाया उनसे। जरासंध उसके ऊपर में 18 बार आक्रमण किया, उनको मार डालना चाहा। पंडित वासुदेव दो हाथ से दो हाथ और नकली लगा दिया और अपने को आज मैं कृष्ण हूं, मैं वासुदेव हूं, भगवान ने उनको संहार किया। इस तरह ये दुष्ट असुर लोग उनको समझ नहीं सके। गीता में तो लिखा है परित्रणाय साधुनां विनाशाय च, इसलिए अवतार का मूल कारण भक्तों का विनोदन है। इस प्रकार उपनिषदों में कृष्ण को रस स्वरूप बतलाया है, केवल रसी नहीं वे स्वयं रसराज और रसिक भी हैं। एक ही रस नहीं बल्कि अखिल रूप स्वरूप है, एक रस अनेक रस है। अनेक रस माने भक्ति विनोद ठाकुर ने इसका वर्णन किया है बहुत सुंदर। अनेक रस माने राधा जी और गोपियों का, हाँ आश्चर्य, वो इसीलिए उनका स्वादन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो पधारे। लीला सुख ने कहा श्रृंगार रस सार सर्वस्व, समस्त रसों का सार श्रृंगार रस, प्रेम के देवता श्रृंगार रस में ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर राधा कांत है। जय देव गोस्वामी भी ने कहा सखी श्याम सुंदर मूर्तिमान श्रृंगार है। रस शास्त्र कहते हैं रस श्रृंगारा नाम है श्यामल कृष्णदेव, श्रृंगारस का रंग कैसा है, श्याम रंग का, इसलिए उसमें कहा है श्याम रस, कुतो श्याम सिंधो रसाशावगा, अर्थात श्रृंगार रस में कौन दूर है। श्रृंगारस का वर्ण श्याम है, श्री कृष्ण उसके देवता हैं। श्रुति स्मृति कृष्ण का जदुकुल में और राम का रघुकुल में स्वेच्छा पूर्वक जैसे अवतीर्ण होते हैं उसी प्रकार अपने भक्तों के हृदय में मन में आंखों में समस्त इंद्रियों में कृष्ण स्वयं। Vishwanath Chakravarti Thakur is now quickly going through the 10 types of praman, evidence. Pratyaksha,
that knowledge with which we attain by the senses. We have five Gyanendriyas, five knowledge acquiring senses: eyes, tongue, nose, hearing, touch. Therefore, knowledge that we acquire by these senses is called pratyaksha. But there may be some fault in this, for example, someone who is completely mad, or someone who is afflicted by some disturbance. Then they may see, a rope is there, but they may see it as a snake, or an oyster shell they may see as real silver, therefore some fault may be there. Anuman means inference. Generally, where there's smoke, there must be fire. But sometimes the fire may have been extinguished, but the smoke is there. Therefore, smoke is there, but there is no fire. Therefore, anuman or inference, there is some fault. Or, there's a fat person, that means he eats too much, but actually he only eats one time at night. With all look, he must be eating all day, but he is not, therefore some fault is there. Asha means nine. There's different rishis have different conclusions. There are nine in number, but there is all some fault here and there. And all are contradicting each other. Upaman means to see one thing equal to another. Like a donkey or a horse, or like in Janmashtami Abhishek, some salt or sugar may appear to be the same. Nishunga. Sambhavana means maybe, sambhave, maybe it's possible, therefore by mind you are speculating. And some others I couldn't catch. Above, there is one wall, but what is behind that wall you cannot see because there is some lacking, some above in your senses. In this way, 10 types of ways of achieving a conclusion are given. Of these, 9 have some faults. Therefore, the only pure and bona fide praman or evidence is Vedic Shastra, Aptavachan. That word spoken by Krishna, the Supreme Lord Himself, for example, Srimad Bhagavatam, or especially Sri Bhagavad Gita, or those words spoken by perfected sadhus, aptavachan. In this there is no fault. What is that aptavachan? What is those sabda-shruti, that perfect source of knowledge? The four Vedas, Samahita, Rigveda, Yajurveda, the Mahabharata, the Puranas, and the Upanishads, especially the Srimad Bhagavatam. And those conclusions and those scriptures which are in accordance or following the conclusion of those Sabda Brahman, those Shrutis, that can also be accepted. For example, these 9 Pramans, sometimes they may come in line with Shastra, then we accept also. Then question may be here, there, well, what about Buddha, Buddhaji, his incarnation of Bhagavan, because what he speaks also must be Sabda Brahman. Therefore, should we accept the words of Buddha? Then Sri Jiva Goswami is saying no, because Sri Buddha spoke with a desire to cheat the demons. Therefore we cannot accept, even though it's coming directly from Bhagavan. Therefore we accept Buddha, but not the words of Buddha. Therefore, for all these reasons, Buddhists were pushed out of India, and now they went outside of India to places like Nepal and Thailand. Therefore, conclusion, this Shruti Praman, or this Shastra, is the best. And of all Shastras, Srimad Bhagavatam is the ultimate conclusion. Therefore, if we want to understand what is Bhakti and what is Bhagavan, we must hear from the Srimad Bhagavatam especially. For what reason Krishna appears in this world? Sri Bhagavad Gita, Krishna says, Yada yada hi dharmasya glani valite bharata. Also, paritanayam sadunam vinasayata dushkadam dharmasam stavanate midiyantu yoga yoga. Are these the real reasons for Krishna's appearance? Actually, Krishna has nothing to do. Krishna himself, Swayam Bhagavan, has nothing to do with the activities of killing demons and protecting sadhus and all the rest of it, establishing dharma. Vishnu and the other incarnations inside Krishna's body, they perform all those functions. But Krishna himself has nothing to do with that. Therefore, the real reason for the appearance of Swayam Bhagavan Sri Krishna, Madbhakta Vinodaya. Krishna comes to give happiness to the devotees. Which devotees? Especially the Brijvasis. And of all the Brijvasis especially,
the gopis headed by Srimati Radhika. Therefore, many demons also had darshan of Krishna, Kamsa, Jarasandha, Kalyavan, but because they were Bhagavan Virodhi against Krishna, they could not taste that rasa, that nectar inside him. Duryodhan tried to bind him, but Krishna revealed his Virat Swarup, his huge universal form, and Duryodhan begged forgiveness from him. Duryodhan tried 18 times to crush Krishna. He had an attempt many times to kill him, therefore he could not taste Krishna. Jarasandha. Pondratji, he made two false arms and said, I am the real Vasudev, I am the real Bhagavan. Therefore Krishna killed him also, liberated him, Therefore, all these ideas are there to show that Krishna is Rasaraj and he is also Rasik. Therefore, Ek Ras is there and Anek Ras is there. Anek Ras means, Thakur Bhaktivinoda has said, Anek Ras means Asraya Jatya, means the devotees, especially Srimati Radhika. Therefore, Krishna himself, Shyam Sunda, he is the Ishtadev and the Devata and the enjoyer of this Shringha Ras. Therefore, he's Shyam, the complexion of Shringha Ras is Shyam himself. Therefore, Krishna is of that complexion. Kim Rasa Sindhu Snana Sabhagaha. Therefore, without the mercy of Radharani, how you can taste Krishna? Agami Kalu Kutal Nidhuvan Radharaman Gopulananda Gopi. Tomorrow, after breakfast, you go to see Gopramananda. Any announcement? Hare Krishna. Many devotees, they get some problem with their throat, cold or flu, fever. Every evening, doctor is sitting here, Dr. Premamayi. She has excellent medicines. For those of you who have interest in Ayurveda, there is also an expert Ayurvedic doctor available on the inner courtyard who will be able to give you proper medications to prevent also getting the flu or cold or fever. So be attentive that you keep in good health. We have only passed 5 days and we want you to be with us another 45 days at least, Hare Krishna, in good health. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.